बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। प्रिपेयर दोस्तों, आज की रेसिपी इतनी शानदार होने वाली है कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा। यहाँ पे हमने दाल ली है चने की। अहम बात यह कि इसको आपने अच्छे से धोना है। मैं आपको बता दूँ, दाल के ऊपर बहुत से केमिकल्स लगाए जाते हैं कि ये खराब ना हो। सो इसलिए कंजूसी किए बगैर 4 से 5 दफ़ा पानी चेंज करके आपने इसको धोना है, और तब तक धोना है जब तक ये पानी इस तरह का साफ नहीं हो जाता। अब आपने इसको भिगो के रख देना है 4 से 6 घंटों के लिए। बहुत ही जरूरी है इस रेसिपी के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे देखिए दाल को हमने 4 से 6 घंटे पहले भिगो के रखा था और दाल ने पानी को अच्छे से पी लिया है। ये काफ़ी इस टाइम मोटी मोटी और फुली फुली हो गई है। अगर ये ऐसी ना हो तो आप इसका मतलब ये है कि आपने इसको कम टाइम के लिए भिगोया है। ये देखें, ये काफ़ी हद तक फूल चुकी है, इसमें आपको बहुत पानी नज़र आ रहा होगा। तो अब रेसिपी में आगे बढ़ने के लिए हमने क्या करना है, इसका ये पानी निकाल देना है। और उसके बाद चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टावल लेना है आपने कोई भी, या टिश्यू पेपर लेना है, और उसके ऊपर आपने इसको अच्छे से फैला देना है। इस रेसिपी में जितना ज़रूरी दाल को धोना और 6 से 8 घंटे भिगोना है, उतना ही ज़रूरी इसके ऊपर ये जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है, पानी है, इसको ड्राई करना है। ठीक है, इस रेसिपी में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन ये जो स्टेप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये फॉलो नहीं किए तो रेसिपी सही नहीं बनेगी। चलें जी, दूसरा टावल लेके हम इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पानी है उसको उतार लेंगे। एक्चुअली ये ज़रूरी इसलिए होता है कि जब हम इसको ऑयल में डालते हैं, पानी हो तो ऑयल जो है वो उछल पड़ता है, वो उबल पड़ता है, ऊपर को आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कर लेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। तो ये देखें, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर था ऊपर से हमने वो उतार दिया है, और ये जो दाल है ऊपर से ड्राई है लेकिन अंदर से ये बिल्कुल तर है, मतलब कि ये अब तैयार है। अब इसको आपने स्टे बिल्कुल भी नहीं देना। ठीक है, ये देखें आप माशाल्लाह से कितनी साफ़ सुथरी और फुली सी है। चलें जी, दूसरी तरफ हमने क्या किया है, ऑयल को गर्म कर लिया है। अब जब आपने इस ऑयल में इसको डालना है तो ध्यान से ये ऑयल थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करेगा, लेकिन एक दो दफ़ा आप इस तरह ऊपर नीचे करेंगे दाल को तो ये टेम्परेचर जो है एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो अहम बात जिसका आपने खासा ख्याल रखना है, सभी दाल इसमें डाल देते हैं, वो ये है कि इसको ना तो आपने ओवर कुक करना है, ना आपने इसको अंडर कुक करना है। ठीक है, मतलब ये कि अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पका लिया तो ये जल जाएगी और बिल्कुल जो है वो एक इसका ना जला सा फ्लेवर आ जाएगा। अगर आपने कम में निकाल दिया तो ये क्या होगा, अंदर से गीली गीली रह जाएगी, क्रिस्पी नहीं होगी। तो क्या पैमाना है जिससे हमें पता चले कि ये परफेक्टली कुक हो चुकी है, वो ये कि तकरीबन 8 से 10 मिनट में ये ऑयल के ऊपर आना शुरू हो जाएगी, ये देखें। और जब आप चम्मच अंदर डालेंगे तो ये चम्मच के साथ क्रिस्पी फील होगी आपको कि ये क्रिस्पी हो चुकी है। तब आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है बाहर, फौरन से फ्लेम ऑफ कर देना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे एक और बात अहम है कि इसमें मसाले कौन से जाएंगे। इसमें मसाले बहुत स्ट्रिक्टली जो मैं कहूँगा वही इसमें जाएंगे। आमचूर 1/2 टीस्पून इसमें चल जाएगा टेस्ट के हिसाब से। ये इसमें एक खट्टापन लेके आता है जो कि बहुत अहम मसाला है। दूसरी चीज़ है, हमारे पास चाट मसाला 1/2 टीस्पून ही ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। काला नमक खुशबू के लिए ज़रूर आपने ऐड करना है। और ये है ज़ीरा पाउडर 2 चुटकी, और ये है हमारे पास वाइट नमक थोड़ा सा टेस्ट के लिए। अब आपने गरम गरम दाल के अंदर ही इन मसालों को मिक्स कर देना है। ये ऊपर इसके चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे इस तरह से, ये बिल्कुल एक जान हो जाएंगे गरम गरम में ऐड करेंगे तो। ये देखें, फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या लुक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो जिसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। इजाज़ अंसारी चैनल को, इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कीजिएगा। अब दीजिए अंसारी को इजाज़त, तकलीफ तक अल्लाह हाफिज़।